سورة قاف آية نمبر 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. صدق الله العظيم. आज की आयत मुबारक में अफलम यंजुरु इला समाए अल्लाह पाक अपने कमाल कुदरत को बयान फरमा रहे हैं। माकबल कमाल इल्म को बयान किया और अब इस आयत के अंदर कमाल कुदरत को बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत वो इस बात पर गवाह है कि अल्लाह दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। और अल्लाह जल्ल शान की कुदरत देखो तो सही, अफलम यंजुरु इला समा, क्या इन लोगों ने देखा नहीं आसमान की तरफ, फौकहुम अपने ऊपर, कैफ बनैनाहा कि कैसे हमने इस आसमान को बनाया है। आसमान अल्लाह जल्ल शानहु ने एक नहीं सात आसमान बनाए हैं। वबनैना फौकहुम सबअन शिदादा और हमने तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान बनाए हुए हैं। दुनिया का इंसान एक छोटा सा छत बनाना चाहे उसके नीचे कोई सुतून जरूर हुआ करता है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं बगैर आमदिन तरौनहा, हमने आसमान की तखलीक ऐसी की है इतना बड़ा छत है लेकिन नीचे कोई सुतून नहीं है। फिर आप देखें तो सही, फर्ज अलबसर सुमरज अलबसर करतें, आप देखो तो सही, हल तरा मिन फुतून, इस आसमान के अंदर तुम्हें कोई दरार नजर आ रहा है, कहीं पर कोई जगह फटी हुई है। दुनिया वाले छत बना के कुछ वक़्त बाद वो छत फट जाए, उसके अंदर दरारें आ जाए, लेकिन कितने सालों से अल्लाह ने आसमान को बनाया हुआ है उसके अंदर कोई दरार नहीं, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं आया अभी तक। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं बनैनाहा वज़य्यन्नाहा, हमने आसमान को बनाया और उसको मुज़य्यन कर रखा है, उसको जीनत बख्शी है। दिन को पता नहीं चलता तो रात को ये जो चमकते हुए तारे और ये चाँद, ये जो आसमान की रौनक बन जाए तो फिर आप देखते नहीं कि ये सब कुछ जगमगा रहे होते हैं एक प्यारे पानूस की तरह और फानूसों की तरह इसके अंदर लाइटिंग होती रहती है। तो अल्लाह फरमाते हैं इस आसमान को सिर्फ बनाया नहीं, उसको हमने जीनत बख्शी, वमा लहा मिन फुरूज, और इस आसमान के लिए कोई नुक्स नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई ज़ौफ नहीं, कोई दराड़ इसके अंदर नहीं। अलफुरूज ये कहते हैं अशकूक, शक पटने को कहते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई दरार नहीं है। वल और द मददनाहा, और आप देखें तो सही, आसमान के अलावा जमीन की तरफ देखते नहीं है, इस जमीन को अल्लाह फरमाते हैं हमने पैला के रखा है। वल और द मददनाहा, और जमीन को हमने पैला के रखा है। वल कैना फीहा रवासिया, और अल्लाह फरमाते हैं हमने इसके अंदर मजबूत पहाड़ गाड़ के रखे हुए हैं। अब अल्लाह पाक ने जमीन को बनाया और अल्लाह पाक ने आसमान को बनाया, और जमीन को अल्लाह जल्ल शानहु ने बना के आसमान को बना के अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था, तो इस छोटे से इंसान को दोबारा पैदा करने पर अल्लाह क्यों कादर नहीं है। लखल्कु समावाति वल अर्द अकबर मिन खल्किन नास, अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर कि इस आसमान और जमीन का पैदा करना ये तो इंसान के बनाने से बहुत ज्यादा भारी है, ये तो इससे भी बढ़कर बात है। अच्छा, जब अल्लाह आसमान जैसे मखलूक को पैदा करने पर कादिर है और जमीन जैसे मखलूक को पैदा करने पर कादिर है, तो अल्लाह जैसे इंसान को दोबारा पैदा करने पर कादिर नहीं है, क्यों नहीं है? इंसान की हैसियत जमीन और आसमान के मुकाबले में जाहिर के एतबार से क्या है? हाँ, अल्लाह फरमाते हैं और हमने इस जमीन के अंदर पहाड़ गाड़ के रखे हुए, अलकैना फीहा, हमने डाल दिए इसके अंदर मजबूत पहाड़, क्यों डाल के रखे? अन तमीद बिकुम, ताकि ये जमीन जब अल्लाह ने पैदा फरमाई थी इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, दरमियान में ये जमीन है, ये डगमगा रही थी, इसके लिए डोलना था। अल्लाह पाक ने उस इंसान के लिए इस परेशानी और बेचैनी को खत्म करने के लिए इसके ऊपर मजबूत पहाड़ गाड़ दिए, और ये जो पहाड़ अल्लाह ने गाड़ दिए ताकि ये जमीन डोलने नहीं, इंसान बेचैन और परेशान न रहे।
अब मामूली सी जमीन को हरकत जब मिलती इंसान कितना बेचैन और परेशान होता है, हवास बाख्ता हो जाता है। तो एक जाहिर के एतबार से इस जमीन के अंदर इंसान के लिए बेचैनी और परेशानियों, और एक बातिनी एतबार से इंसान के लिए बेचैनी और परेशानियों, ताकि जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर बंदा आबाद हो जाए, इसको जरूरियात हैं, और वो जरूरियात पूरा करने के लिए भागेगा तो अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मादनियात छुपा के रखे हुए हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म के कीमती पत्थर है, सोना है, चांदी है, और लोहा है, और कोयला है। अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ किस्म के इंसानी जरूरियात को इन पहाड़ों के अंदर छुपा के इस जमीन पर गाड़ के रखे हुए हैं, ताकि इंसान किसी किस्म की बेचैनी और परेशानी का शिकार ना हो जाए। ये अल्लाह की कुदरत और ताकत है। इस मजबूत पहाड़ को पैदा करने पर अल्लाह कादिर है, इस इंसान को दोबारा पैदा करने पर कादिर नहीं है। ये अल्लाह अपनी कमाल कुदरत को बयान फरमाते हैं। वअंबतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, अल्लाह ने जमीन को बनाया, इतना नरम भी नहीं बनाया कि इंसान उसमें चल न सके, इंसान उसमें कुछ तामीर न कर सके, और इतना सख्त भी नहीं बनाया कि इंसान इसमें कुछ काश भी कर न सके। अल्लाह ने दरमियान हाल में, लिहाजा मजबूत बिल्डिंग इस जमीन के ऊपर इंसान बनाता रहता है, जिसके लिए जमीन सख्त है और नरम इतनी है कि इंसान इसमें काश करना चाहे तो जमींदार इसके अंदर मेहनत करता रहता है और इसमें बीज डालता रहता है, अल्लाह पाक उसके अंदर से उगाते रहते हैं। वअंबतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, हर किस्म की बारौनक चीजें हमने इसके अंदर उगा रखी है, क्योंकि सिर्फ इंसान तो जमीन पे आबाद नहीं, बल्कि इंसान के साथ साथ हैवानात भी है, इंसान के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी है, हशरातुल अर्द, मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात के मुख्तलिफ किस्म के रोजी का सामान करने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसमें मुख्तलिफ किस्म के बारौनक चीजें बना के रखी है। ये हरी भरी खेती इंसान देखता रहता है, ये घास देखता रहता है, तब सिरतों व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, ये आसमान का बनाना और जमीन को फैलाना और आसमानों की जमीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ना और फिर ये जमीन से मुख्तलिफ किस्म के चीजों को उगाना, अल्लाह फरमाते हैं ये बाइसे इबरत है, ये बाइसे नसीहत है, सबक ले ले बंदा इससे। लेकिन किस बंदे के लिए? लिकुल्लि अब्दिन, हर उस बंदे के लिए है, मुनीबिन, जो कि इनाबत रखने वाला हो, जो रुजू रखने वाला हो, जो अल्लाह की तरफ वापस लौटने वाला हो, जिसने अल्लाह को सोचा नहीं, अल्लाह की कुदरत में सोचा नहीं, उसमें इसको क्या मिल सकता है? कोई सबक नहीं मिल सकता। इसलिए मुसलमान दुनिया के अंदर जब साइंस का मुताला करता है तो ये जाहिरी मुशारे के निजाम को जब पढ़ता रहता है, इससे अल्लाह तक पहुंचता है, इस पर अल्लाह की कुदरत जाहिर हो जाती है। और काफिर वो दुनिया के सिर्फ जाहिरी निजाम का मुशाहदा करता है, वो अल्लाह तक पहुंचता नहीं है। अगर कोई अंधा को तलाश करना चाहे तो अल्लाह कायनात के निजाम में छुपे हुए हैं, अल्लाह जल्ल शानहु अपनी कुदरत को इंसान को जाहिर किए हुए हैं, इससे अल्लाह तक बंदा पहुंच सकता है। और आगे अल्लाह फरमाते वनज़ल्ना मिनस्समा, और हमने नाजिल किया आसमान से, जिक्र अस्समा का है, मुराद अस्सहाब है, बादल से अल्लाह पाक पानी बरसाते हैं, जो जमीन और आसमान के दरमियान लटकाए गए हैं, मुअल्लक हुआ करते हैं। अल्लाह फरमाते और हमने नाजिल किया आसमान से मान, पानी नाजिल किया, कौन सा पानी? मुबारकन, जो बाबरकत पानी है। अब बाबरकत पानी है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बारिश शुरू हो चुकी और अपने हाथ मुबारक से आस्तीन को उठा के और बारिश के पानी के सामने रख चुके, जिस पर बारिश का पानी आया और मलने लगे। किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल ये क्या है? फरमाया आसमान से अल्लाह ने बाबरकत पानी नाजिल फरमाया, मैं चाहता हूं कि मैं इस बरकत को हासिल कर लूं। हाँ, एक मुबारक पानी है, मां अंतहूरा, आसमान से अल्लाह वो पानी नाजिल फरमाते जिसके अंदर बरकत ही बरकत है और पाक ही पाक है, खुद भी पाक है औरों को भी पाक करने वाला है, जिसको गुसल की जरूरत हो और वो बारिश के पानी में कड़ा हो जाए और बारिश का पूरा पानी उसके पूरे बदन से निकल जाए तो पाक हो जाता कि नहीं हो जाता है? और आज दुनिया के अंदर लोग बाज बीमार ऐसे होते हैं कि जब बीमारी लोग लाइलाज समझते तो उसको बारिश का पानी पिलाते हैं। दुनिया का निजाम, जो बिजली का निजाम चल रहा है, उसके लिए सबसे बेहतरीन पानी बारिश का पानी है। ये बैटरियों के अंदर जो लोग पानी डालते हैं तो सारी बैटरियों के अंदर असल पानी वो बारिश का पानी है।
कितनी बाबरकत पानी, और इस पानी के जरिए कितनी बरकत अल्लाह ने डाल रखी। अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान तो इंसान है, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय, हर जिंदा चीज को अल्लाह ने पानी से बनाया। इंसान के बदन के अंदर जो खून चल रहा है, अगर ये खून का जो चलना है ये रुक जाए, इंसान जिंदा रह सकता है? इसलिए लोग कहते हैं इसके बदन के अंदर पानी की कमी आ गई, और बाद औकात पानी की कमी इस दर्जे आ जाती है कि बंदा की डेथ हो जाए। अब खून के अंदर जो चीजें हैं उसमें 80% वो पानी है, और 20% जो है वो बकिया चीजें हैं। अब अल्लाह ने कितना बाबरकत पानी, अल्लाह फरमाते वनजलना मिनस समाई माअन तहूरा या माअन मुबारका, बाबरकत पानी, फअंबतना बिही जन्नतें व हब्बल हसीद, और अल्लाह फरमाते हमने उगाया इसी पानी के जरिए से मुख्तलिफ किस्म के बागात को, एक बाग नहीं मुख्तलिफ किस्म के बागात, सेब के बागात, आम के बागात, और अंगूर के बागात, और अनार के बागात, और केलों के बागात, मुख्तलिफ किस्म के फल दुनिया के जितने भी पाए जाने वाले हैं, अल्लाह ने इस पानी के अंदर इतनी बरकत डाल के रखी है कि ठनों के हिसाब से बंदा ये फ्रूट इससे उठाता रहता है और इस्तेमाल करता रहता है, पूरे दुनिया के इंसान इस्तेमाल करते। अल्लाह ने सिर्फ इस पानी की बरकत से इसको निकाला हुआ है। वहब्बल हसीद, और इस तरह की फसलें और खेतियां, चाहे वो गंदम है, चाहे वो जौ है, चाहे वो सब्जियां है, चाहे वो तरकारियां है, इस तरह की खेतियां और फसलें अल्लाह ने उगा दी है जो कि काटी जाती है, इंसान उसको काट के इस्तेमाल करता रहता है। वहब्बल हसीद, वनखला बासिकातिन, और उससे आगे जाके, चूंकि अरब में कुरान का नुजूल हो रहा है और अरब का दारो मदार वो खजूर पे हुआ करता था। वनखला बासिकात, बासिकात तवीलात के माने में है। अनखला ये जुलहाल है और बासिकात ये हाल बनता है। अनखला और लंबी लंबी खजूर के दरख्त अल्लाह पाक ने इसके जरिए उगा दिए। लहा तलउन नजीद, जिसके लिए खोशे हैं, तह बतह खोशे हैं उसके लिए, अल्लाह एक दूसरे पर छड़े हुए। रिस्कल लिल इबाद, जो बंदों के लिए रोजी के वास्ते है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। जब अल्लाह पाक मुर्दा अच्छा आगे व अहयैना बिही बल्दतम मैता, और इसी पानी के जरिए हमने मुर्दा जमीन को एक हयात अता की है, जिंदगी अता की, के जिसके अंदर कोई फसल नजर नहीं आ रहा होता, जिसके अंदर कोई बाग नजर नहीं आ रहा होता, एक वीरान और बंजर जमीन होती है। अल्लाह आसमान से बाबरकत पानी नाजिल फरमा के उस जमीन को हयात दे के उससे फसलें उगाते हैं, उससे अल्लाह पाक फल उगाते हैं, सब्जियां तरकारियां। तो जो अल्लाह इस मुर्दा जमीन को जिंदा करने पर कादिर है, कज़ालिकल खुरूज, इसी तरह तुम्हारा भी निकलना होगा इस जमीन से। जैसे जमीन से दरख्त को अल्लाह उगा देते हैं, इसी तरह इस जमीन से अल्लाह इंसानों को भी उगा देगा। अल्लाह उगाने पर कादिर है, पैदा करने पर कादिर है, लेकिन मसला यह है कि अभी जो अल्लाह पाक जो मुर्दे हैं इनको जिंदा नहीं कर रहे हैं, और ये लोग जो कह रहे हैं कि वाकई अगर मौत के बाद दोबारा जिंदगी है, हमारे आबाओ अजदाद जो मर गए हैं इनको हमारे लिए जिंदा करके दिखाओ तो सही। अल्लाह फरमाते अभी तुम्हारा वो वक्त आया नहीं है। जब वक्त आएगा तो जिस तरह अल्लाह इस मुर्दा जमीन को जिंदा करके इससे फसलें उगाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के बागात उगाते हैं, इसी जमीन से अल्लाह इस इंसान को उठाएगा। लेकिन वो हशर के मैदान में जब फैसला होगा वहां पर दुनिया के इंसान को उठाया जाएगा, अभी वो वक्त आया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह कादिर नहीं, अल्लाह कादिर है, लेकिन मुकर्रर वक्त अभी आया नहीं है। अफलम यंज़ुरु इला समा, क्या ये लोग देखते नहीं आसमान की तरफ, फौकहुम अपने ऊपर, कैफा बनैनाहा, कैसे हमने इस आसमान को बनाया, वज़य्यन्नाहा, और हमने इसको जीनत बख्शी, वमा लहा मिन फुरूज, और इसमें किसी किस्म की कोई नुक्स नहीं, और इसमें किसी किस्म का कोई कमजोरी नहीं, और इसमें किसी किस्म का कोई दराड़ नहीं, वल अर्दा मददनाहा, और जमीन को हमने फैला दिया, वालकैना फीहा रवासिया, और रख दिए हमने इसमें पहाड़ मजबूत, व अंबतना फीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और हमने उगा दी इसके अंदर हर किस्म की बारो नक चीज, त
تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ, जो के बायसे बसीरत है और बायसे नसीहत है हर उस बंदे के लिए जो इनाबत रखता हो, रुजू करने वाला हो। وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, और उतारा हमने आसमान से पानी मुबारकन जो के बाबरकत है। فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, जिसके जरिए हमने उगा दिए हर किस्म के बागात और काटी जाने वाली फसलें। وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, और लंबी लंबी खजूरें जिसके लिए खोशे हैं तहबते, रिस्कल लिलइबाद, जो के रोजी के वास्ते है बंदों के लिए। वाहीना भी बल्लतम मैदा, और हमने उसके जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया। कदालिकल खुरूज, इसी तरह निकलना होगा।